तो बेटा रिवाइज करके आए हो। पॉलिनेशन हो गया था, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बता दिया था, आज फर्टिलाइजेशन देखना है। जरा कुछ क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। ये बताओ कि जो जूफिली होती है उसमें मैमल से भी पॉलिनेशन होता है, तो किस प्लांट में मैमल से पॉलिनेशन होता है? कोई एग्जांपल याद है जिसमें मैमल से पॉलिनेशन होता है? कौन सा? एंथोसिपेलस है ना, कदम, एंथोसिपेलस कदम्बा है ना। और किससे होता है? बैट से होता है, चमगादड़ से। देखो चमगादड़ भी मैमल है। अगर ऐसे पूछा जाए कि किससे मैमल से होता है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैमल तो हमने पढ़ाई नहीं है ना। चमगादड़ भी अगर है तो वो मैमल ही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किस पॉलिनेटिंग एजेंट के साथ किसी प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस में देखा जाता है? कौन सा? यक्का प्लांट था है ना, यक्का प्लांट था। और उसमें होता है मौत से, यक्का जो हमने देखा, यक्का से किस में होता है बेटा? मौत पॉलिनेशन होता है ना। इस मौत का क्या नाम था बेटा? प्रोन्यूबा। क्या नाम था? प्रोन्यूबा नाम था। ये बेटा अपने एग डिपॉजिट करने के लिए आता है ना, एग के उसके यक्का के ओवरी के अंदर अपने एग डिपॉजिट करने आता है। उससे पहले वो अलग अलग प्लांट्स के जो मेल प्लांट उन पर विजिट करता है और वहाँ से पॉलन कलेक्ट करता है। पॉलन कलेक्ट करने के बाद पॉलन की बॉल बना लेता है और वो ला करके स्टिग्मा पर स्टिग्मा पर ला के रख देता है, ठीक है। और फिर अंदर अपना ओविपेरेस एंटर करके एग डिपॉजिट कर देता है अपने। तो ये बेटा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मतलब अगर ये यक्का का प्लांट ना हो तो अपना बेटा कहाँ पे एग डिपॉजिट करेगा? एग लेइंग के लिए कि एक शेल्टर चाहिए उसको, वो अक्का यक्का प्रोवाइड करता है। और यक्का को पॉलिनेटर चाहिए तो वो करके लाता है मौत, है ना। तो अगर ये यक्का के प्लांट बेटा ख़त्म हो जाए, सभी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो फिर वो प्लांट भी, ये सॉरी, ये जो स्पीसीज है प्रोन्यूबा की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर प्रोन्यूबा सब ख़त्म हो जाए तो ये यक्का की जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, क्योंकि फिर उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होने के बाद बेटा ये बेटा एंथर था, यहाँ से पॉलन आ गए यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इस पॉलन में जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। पॉलन जर्मिनेट कैसे होता है? इंटाइन जो होती है वो पॉलन ट्यूब बनाती है ना बेटा। और ये होता है पॉलन, ऐसे पॉलन जर्मिनेट करेगा। यहाँ पर बेटा क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है बेटा? ओव्यूल होता है। ये ओवरी है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे ओव्यूल, ठीक है, या मेगास्पोरेंजियम। तो ये पॉलन ट्यूब बेटा डेवलप होती है, आगे बढ़ती रहती है और यहाँ ओव्यूल तक पहुँच जाती है, ठीक है। और ओव्यूल के माइक्रो पायलट एंड से अंदर इंटर करती है। और हमने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है ना, और उस एम्ब्रियो सैक में इंटर करके एक सेल से फर्टिलाइज करती है, जायगोट बनाती है, और पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाती है। अभी हम देखेंगे कैसे। अब ये बेटा जो ओव्यूल है, ओव्यूल को हम इधर बनाएं, ये बेटा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। अब ये इसका प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ऐसे जुड़ा हुआ है ये है बेटा एम्ब्रियो सैक, ये वाला इंड बेटा इसका देख रहे हो, कौन सा इंड है? माइक्रोपाइलर इंड है।
और ये वाला इंड चलाजल इंड है, ये वाला हाइलम है, इसका हाइलम बेटा जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फ्यूनिकल है, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हमने देखा था बेटा, यहाँ पर बेटा एक एक सेल होती है, ठीक है, थोड़ी सी इनलार्ज करके हम इसको दिखा रहे हैं, बड़ी दिखा रहे हैं। यहाँ पर दो सेल्स बेटा और हैं इसके पास, ये देख पा रहे हो बेटा, ये है एक सेल, और यहाँ पर बेटा थ्री सेल्स प्रेजेंट होती हैं चलाजल एंड पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। ये दो सेल जो हैं बेटा इनको क्या बोलेंगे, सिनर्जिट्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा फिली फार्म ऑपरेटस है, ये बेटा थोड़ी थिकनेस प्रोवाइड, थिक वॉल की बनी होती हैं सेल्स, ठीक है, और ये कुछ केमिकल रिलीज करती हैं सिनर्जिट्स, तो इन्हीं से रिलीज होता है, ठीक है, और ये बेटा पॉलन ट्यूब को इंटर करने में एक वे प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर बेटा कुछ साइटोप्लाज्म है आप देख रहे हो, और बीच में दो न्यूक्लिया आपको दिखाई पड़ेंगे, ये सब में एक एक न्यूक्लियस है। तो बेटा एम्ब्रियो सैक को हम देखा था 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर है, देखो 3 एंटीपोडल सेल्स 2 synergids एंड 1 egg cell, ये कितनी हो गई, 6 सेल हो गई, और एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है, देख रहे हो बेटा ये सबसे बड़ी सेल होती है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ये वाली, तो ये सब कुल मिला करके 7 सेल होती हैं। जो सेंट्रल सेल होती है बेटा सबसे बड़ी होती है, एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सेंट्रल सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 nuclei प्रेजेंट होते हैं ना बेटा। अब बेटा सेंट्रल सेल की प्लॉयडी पूछें तो क्या बताओगे, एन, 2n नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं लेकिन न्यूक्लियस भी हैप्लॉयड है, दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉयड है, तो न्यूक्लियस के बेसिस पर देखते हैं प्लॉयडी लेवल जब भी देखते हैं, तो ठीक है, तो न्यूक्लियस हैप्लॉयड है, तो ये इसकी प्लॉयडी भी, इस सेल की प्लॉयडी भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो इसलिए एम्ब्रियो सैक की पूरी ओवरऑल देखें तो प्लॉयडी एन होती है, ठीक है, सभी सेल्स की। ये हो गया एम्ब्रियो सैक। अब बेटा जब पोलन ट्यूब यहाँ से इंटर करती है, ये पोलन ट्यूब है, और ये ऐसे इंटर करती है ऐसे यहाँ पर, और ये देखो हमने सीधा बनाया है एट्रोपस ओव्यूल बनाया है, तो वैसे अगर एनाट्रोपस होगा तो ये ऐसे यहाँ से आकर के पोलन ट्यूब इंटर करेगी, ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो बेटा जब पोलन ट्यूब आती है, ये पोलन है, यही पोलन है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये पोलन, इस तरह से। अब बेटा ये जो पोलन है, यहाँ पे देखो जर्म पोर है, जहाँ पे एक जाइन एब्सेंट होती है वहाँ पे जर्म पोर होता है, ये जर्म पोर है, तो बेटा यहीं से पोलन क्या होगा, जनरेट होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ऐसे पोलन ट्यूब बना लेगा। यहाँ पर बेटा एक न्यूक्लियस होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस। देखो पोलन एक डेवलप पोलन में बेटा एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव सेल होती है, तो ये जो ये पूरी सेल होगी, देखो अगर यहाँ हम ऐसे दिखाएं तो ये जो ये पूरी सेल है बेटा, ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल है, उसी के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही होती है, देखा था ना बेटा ऐसे, मान लो ये है, ये हमारा पोलन है, तो ये बेटा एक ट्यूब न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक जनरेटिव सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये पूरी ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा, ये है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं क्योंकि पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, ये जनरेटिव सेल है क्योंकि ये मेल गैमीट है, इसलिए जनरेटिव सेल बोलते हैं, इसको मेल गैमीट भी बोल सकते हैं। आगे चल के बेटा हम लोग देखेंगे कि ये वाली सेल फिर से डिवाइड होती है और इसके अंदर एक सेल और बन जाती है, तो ये 2 male gamete बन जाते हैं, दोनों जनरेटिव सेल हैं। अब सेंट्रल सेल या ये एक सेल जो है वेजिटेटिव सेल तो एक ही है, ये दोनों सेल उस सेल के अंदर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। तो पोलन ट्यूब जब बनती है तो ये ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर आता है और यही इसकी ग्रोथ को लीड करता है, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ होनी है, कैसे होनी, ये ट्यूब न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस
बोला जाता है। और इस सेल को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो अब ये सेल बेटा स्पेंडल शेप होती है, स्पेंडल शेप इसलिए क्योंकि ये आसानी से इसके अंदर आ सके, ठीक है, ट्यूब के अंदर। और यही अब जब पोलन जर्मिनेट होने लगता है उस समय ये डिवाइड करता है। हमने कहा था 40% केसेज में वो एंथर के अंदर ही सेल डिवाइड हो जाती है, जनरेटिव सेल, और थ्री सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, है ना। तो ये मेच्योर मेल गेमिटोफाइट बन जाएगा, अभी ये मेच्योर पोलन है, जब तक एक सेल थी, ये दोनों सेल हो गई हैं, अब ये थ्री सेल स्ट्रक्चर बन गया है, ये दो सेल और एक ये पूरी सेल, थ्री सेल स्ट्रक्चर है। तो ये मेच्योर मेल गेमिटोफाइट है, जब तक दो सेल रहेंगी, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तब तक ये मेल पोलन रहेगा, सॉरी ये मेच्योर पोलन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये जनरेट, जब जर्मिनेट होगा तो एक जनरेटिव सेल इसके अंदर आ जाएगी, इसके पीछे दूसरी भी आ जाएगी, है ना। अब ये पोलन बेटा जर्मिनेट होता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा, देख रहे हो बेटा। अब ये पोलन ट्यूब ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और कहाँ तक आएगी बेटा, अब स्ट्रक्चर तक आ जाएगी और यहीं से ये मुड़ेगी। इसको मुड़ने के लिए बेटा ये प्लेसेंटा से जो ऑब्स्ट्रैक्टर यहाँ पर लगे रहते हैं, इनसे टच होते ही ये इधर घूम जाती है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब इसको बेटा कौन डायरेक्शन देता है कि किधर जाना है, तो यहाँ जो सिनर्जिट्स हैं दोनों, इन सिनर्जिट्स से बेटा केमिकल सिक्रेट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक खास तरह के केमिकल, तो वो बेटा इसको अट्रैक्ट करता है पोलन को, तो ये पोलन उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ से केमिकल आ रहा होता है। तो ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स आप देख रहे हो बेटा, ये भी हेल्प करते हैं उस केमिकल को सिक्रेट करने में, ठीक है, और उस खास डायरेक्शन में जहाँ से ये आ रहा है उस तरफ से ये पोलन जो ट्यूब है वहीं से ये इधर उधर मुड़ने लगती, अट्रैक्ट होने लगती केमिकल से, इसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मोमेंट, क्या बोलेंगे बेटा। और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सी मोमेंट है, कीमोट्रॉपिक, समझ रहे हो ना बेटा। केमिकल से अट्रैक्ट होकर जो बेंडिंग हो उसको कीमोट्रॉपिक मोमेंट बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक, ठीक है। पूरा लोकोमोशन नहीं होता है, केवल बेंडिंग होती, मुड़ना होता है, झुकाव होता है। जैसे ऑक्सीजन हार्मोन में तुमने पढ़ा होगा कि जब हम खिड़की की तरफ कोई प्लांट रख देते हैं, गमला रखते हैं, तो वो इस तरफ बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, वो कीमोट्रॉपिक मोमेंट है, ठीक है। सॉइल की तरफ रूट्स मुड़ जाती हैं, कौन सा सॉइल की तरफ, वो जियोट्रॉपिक है, तो ट्रॉपिक हो गया वो, ठीक है। पानी की तरफ मुड़ जाएंगे तो हाइड्रोट्रॉपिक, लेकिन अगर पूरी मोमेंट हो रही है उसको टैक्टिक बोलेंगे, टैक्टिक, कीमोटैक्टिक। अगर ये पूरा पोलन चला जाए केमिकल को देखते हुए, केमिकल के अट्रैक्ट हो गए, तो उसको कीमोटैक्टिक मोमेंट बोलेंगे। अगर मुड़ रहा है, देखो रूट जैसे मुड़ रही हैं, रूट मुड़ रही हैं सॉइल की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिक, अर्थ की ओर मुड़ रही ना बेटा, जमीन में जा रही, तो जियोट्रॉपिक मोमेंट बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। केमिकल की तरफ है तो कीमोट्रॉपिक मोमेंट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही हो रहा ना बेटा, केमिकल की तरफ ये पोलन ट्यूब मुड़ रही है, लेकिन आपने देखा होगा, हमने पढ़ाया था उसमें तुम्हें टेरिडोफाइटा में, कि वहाँ पर बेटा क्या होते हैं एंथ्रोजॉइट्स, क्या होते हैं वो, आर्किगोनियम की तरफ मुड़ते नहीं, लोकोमोट करके जाते हैं, है ना। वहाँ से भी केमिकल निकल रहा होता है और इस केमिकल से अट्रैक्ट होकर वो आर्किगोनियम की तरफ जाते हैं, वो जॉइंट को फर्टिलाइज करने के लिए जाते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वो उसमें टेक्टाइल आर्गन प्रेजेंट होते हैं, जब भी मूवमेंट टेक्टाइल आर्गन से होगा और पूरा गैमेट जो खुद चल के जाएगा उसको बोलेंगे कीमोटैक्टिक, केमिकल से हो रहा है तो। लेकिन कीमोट्रॉपिक यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में तुमसे पूछेंगे, तो कीमोट्रॉपिक भी लिखा होगा, कीमोटैक्टिक भी दिया होगा एक, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे कितने मेल गैमेट हैं बेटा, टू मेल गैमेट हैं। अब ये बेटा जो दोनों मेल गैमेट हैं, ये जो मेल गैमेट हैं बेटा, इनमें से एक मेल गैमेट यहाँ पर आकर के जो एग सेल है बेटा, इसके साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा जायगोट, क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ये बन जाएगा जायगोट, एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगी बेटा, जायगोट।
एंड जायगोट आगे चल के क्या बन जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। ये जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो इसको एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, ठीक है। सिनर्जिट्स बेटा क्या होगा कि धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएंगी। पहले वो डिजनरेट होगी जिससे केमिकल निकल रहा है। अब ये इधर से भी पॉलन ट्यूब इंटर कर सकती है, इधर से भी कर सकती है, ठीक है। तो जिस सिनर्जिट से ज़्यादा केमिकल सिक्रीट होगा वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और पॉलन ट्यूब उधर ही मुड़ जाती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब उधर मुड़ जाएगी और ये सिनर्जिट धीरे 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 डिजनरेट होती रहेगी, छोटी होती रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दोनों जो सिनर्जिट्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, ठीक है, बाद में। अब ये बेटा बन गया जायगोट एक, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंगैमी। क्या बोलेंगे? सिंगैमी। सिंगैमी किसने देखा था बेटा? स्ट्रासबर्गर ने देखा था, बहुत अच्छे। अब बेटा इसके बाद यहाँ पर देखो, अब ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसी समय ये फ्यूज होकर के वन सेंट्रल न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, दो हैं अलग अलग, दो ही रहेंगी, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उस समय ये वन हो जाएगी, एक पोलर न्यूक्लियस बन जाएगा ये, ठीक है, सेंट्रल सेल न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है बेटा, तो इसके साथ जो दूसरा मेल गैमेट था वो आ गया बेटा यहाँ पर, वो भी एंटर कर गया अंदर, ठीक है। इसकी ये डिजॉल्व हो जाएगा, पूरी सेल डिजॉल्व हो जाएगी, न्यूक्लियस बचेगा, वो न्यूक्लियस बेटा इसके साथ, अब ये न्यूक्लियस बचा, ये न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो ये एक सेल, अभी ये बेटा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, कैसा था? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था ये। फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड हो गया, तो पहले तो दो थे अलग अलग हैप्लॉयड, फिर दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉयड बना लिए। अब जब ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज होगा, ये तो डिजॉल्व होकर के न्यूक्लियस बन गया था, इसे न्यूक्लियस बन गया, और फिर ये फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, पेन बन जाएगा ये, ये वाला, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये बन जाएगा पेन, पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉयडी बेटा 3n होगी, क्या होगी? 3n होगी, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस थे हैप्लॉयड, एक और मेल गैमेट का फ्यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रिपलॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये जी समझ रहे हो कि नहीं? इसको बोलेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे लिखे हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जो होता है बेटा, उससे क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाता है बेटा? एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। डाइकॉट में तो कॉटिलेडन्स बन जाते हैं, और जब तक कॉटिलेडन्स नहीं बनते हैं तब तक एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और मोनोकॉट में कॉटिलेडन्स होते नहीं, तो फिर उसमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन को बेटा किसने देखा था? नवासी ने देखा था बेटा, ठीक है। नवासी ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर। वो ये जो इसके अलावा और किसी प्लांट में नहीं देखा जाता, ना तो जिम्नोस्पर्म में, ना टेरिडोफाइटा में, ना कहीं, है ना। तो ये केवल आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा इसकी समरी समझ लो, पहले पोलन आता है यहाँ पर, ठीक है, पोलिनेशन हुआ, पोलन आ गया। अब ये स्टिग्मा होती है, वो रिसीवर होती है पोलन के लिए, वो रिसीव करती है। यहाँ पर कुछ केमिकल और जेनेटिक कंट्रोल भी होता है, ठीक है। हमने देखा था कि टोबैको में जब ये पोलन जर्मिनेट होती है तो थोड़ी डेवलप होकर भी स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर जेनेटिक प्रिवेंशन चलता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो उसी तरह बेटा अदर स्पीसीज़ के लिए भी होता है। अदर स्पीसीज़ के पोलन यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर सकते, उसी स्पीसीज़ का पोलन वहाँ पर जर्मिनेट कर सकता है। तो ये पोलन उसी स्पीसीज़ का है, तो ये जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होकर यहाँ पर पोलन ट्यूब बन गया, और पोलन ट्यूब बढ़ करके ओवरी में पहुँची, यहाँ पर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल से ये अंदर आ करके ऐसे
माइकल पॉलर्ट इंड पर अब यहाँ पे देखो इंटर करती है, पहले अब्स्ट्रैक्टर पर टच होकर के भी मुड़ जाती है, फिर एक यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, सिनर्जिट से केमिकल निकलता है इसी के थ्रू, और वो केमिकल जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ से ये मुड़ जाती है पॉलन ट्यूब, इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। और ये आज जा करके इस तरफ से फिलीफॉर्म अपरेटस से होती हुई इंटर कर जाती है, ठीक है बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और जब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर जाती है तो वहाँ पर ये एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाती है, जायगोट बनाती है, जो कि 2N होता है। क्या होता है बेटा? 2N। इस प्रोसेस को हम सिंगेमी बोलते हैं। ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो बेटा सेंट्रल न्यूक्लियस, अभी टू ये पोलर न्यूक्लियाई थी बेटा, ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के 1 न्यूक्लियस बन जाता है। अब ये डिप्लॉयड हो गया, अब इसका जो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है, मेल गैमेट डिजॉल्व होकर के इसका न्यूक्लियस बचा, वो न्यूक्लियस इससे फ्यूज हो गया और ये 3N स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे डेवलप होकर इंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो ये बेटा जो पूरी सेल ये इंडोस्पर्म बन जाएगी, और ये अब इसकी प्लॉयडी क्या है, 3N है। जायगोट की प्लॉयडी क्या है, 2N है। सिंगेमी को किसने बेटा सबसे पहले बताया था, स्टॉपवेगन ने। और ये डबल फ्यूजन को किसने, डबल फर्टिलाइजेशन कौन बताया था बेटा, नवासिन ने। इसको बेटा ये जो देखो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार तो हुआ एक सेल के साथ, दूसरा जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज हो गया पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो अब ये दूसरा फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, देयर आर फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस, दो तो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस और तीसरा न्यूक्लियस मेल गैमेट, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है बेटा। क्लियर है, प्लेसेंटा है ये, आगे बढ़े। अब इसके बाद बेटा देखो हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे कैसे होता है, ठीक है, और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद सीड का फॉर्मेशन है ना, तो ये आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। अब देखो बेटा ये जो पूरा ओव्यूल है ना, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा ये ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। पूरा ओव्यूल बेटा किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। और ये ओवरी अब क्या हो जाएगी, फ्रूट हो जाएगी, ओवरी फ्रूट हो जाएगी, और ये ओव्यूल बन जाएगा सीड, ठीक है। और ये जो बेटा ये जो एक सेल है ये क्या बन गई, अब उसके अंदर जायगोट बन के एम्ब्रियो बन जाएगी, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो यही है। और ये जो बेटा ये है ये क्या बन जाएगा, ये पूरा जो सेंट्रल न्यूक्लियस अब जो ये पेन बन चुका है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये पूरी सेल सब मिला करके आपका इंडोस्पर्म बन जाएगा, है ना। तो ये आगे चल के इंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। अच्छा बेटा ये बताओ ये जो न्यूसेलस है उसका क्या, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस भी तो होता है बेटा, न्यूसेलस स्पर्जनस टिशू, उसका क्या होगा, वो सब खर्च हो जाता है धीरे धीरे, डिजनरेट हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा सा बचता है, जब बचता है तो वो बनता है पेरिस्पर्म। क्या बनता है, ये इधर बेटा ये इरेज कर दें, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत जल्दी आ गए तुम लोग, बैठो। अच्छा जो बेटा न्यूसेलस है वो आगे चल के क्या बनाएगा, जो बचेगा तो वो बनाएगा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म जो है वो इसकी कवरिंग है, ठीक है, इसको पेरिस्पर्म बोलेंगे। ये पेरिस्पर्म बेटा किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है, जिसमें बच जाता है जैसे बेटा कैस्टर में देखा होगा तुमने, उसमें पेरिस्पर्म होता है, उसमें होता है ब्लैक पेपर में, काली मिर्च देखी बेटा, उसमें होता है ये, ठीक है, ये रह जाता है, परसिस्ट करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पेरिस्पर्म होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, कौन पेरिस्पर्म बनाता है। आप ऑप्शन में आपको इंटेगुमेंट दिया होगा, न्यूसेलस भी दिया होगा, और कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए,
ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सीड के ऊपर तो इंटेग्यूमेंट होता है, ओव्यूल की कवरिंग है, तो वही पेरिस्पम बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है बेटा? टेगमेन बनाता है और टेस्टा बनाता है ना बेटा, सीड कोट। तो उसमें देखो, तुम लोगों ने बादाम देखा होगा, उसके ऊपर जो एक वो होती है, लेयर होती है, कभी भिगोया है बादाम तो उसमें देखो, आलमंड, उसमें देखो एक लेयर होती है टेस्टा, उसके अंदर एक और मेम्ब्रेनस, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं टेगमेंट। असल में क्या होता है बेटा, जो हमारा इंटेगमेंट है, ये इंटेगमेंट देख रहे हो, ये इंटेगमेंट वन लेयर, टू लेयर, दो लेयर होती हैं, जो बाहर की जो लेयर है ये वाली इंटेगमेंट की, देखो एम्ब्रियो सैक है, ये जो ओव्यूल है उसकी जो ये जो मेम्ब्रेन्स है, कवरिंग है, इसमें इंटेगमेंट ही तो है वो। ये जो इंटेगमेंट है ये बन जाएगी टेस्टा, अंदर की जो इंटेगमेंट है वो क्या बन जाएगी? टेगुमेन, टेगुमेन बोलते हैं उसको, टेगुमेन। टेगुमेन सब में प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी में होता है, टेस्टा सब में होता है, ठीक है। थिक मेम्ब्रेन होती है टेस्टा, देखो ये वाली जो इधर ये वाली मेम्ब्रेन, ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा? टेस्टा। ये अंदर वाली क्या बन जाएगी बेटा? टेगुमेन। ये थ्री मेम्ब्रेन होती है, और ये मॉडिफिकेशन किसका है बेटा? इंटेगुमेंट का है। किसका है? इंटेगुमेंट का है, ठीक है बेटा। इंटेगमेंट मॉडिफाई होकर के ये सीड के ऊपर का जो कवरिंग होती है वो बनाती है, ठीक है। तो बताओ बेटा, पेरिस्पम किससे बनता है? हमको पता था यही गलती करोगे। क्या पूछा हमने? पेरिस्पम। हाँ, न्यूसेला सही बनता है, ठीक है बेटा, सही बताया। और ये टेस्टा किससे बनता है? हाँ, ठीक है बेटा, सही है। हमें लगा तुमने वो बताया है, इंटेगमेंट बताया है, न्यूसेला बताया था ना, तो ठीक है, ठीक बेटा। किसी किसी में क्या होता है, जो इंटेगमेंट होता है, ये मान लो बेटा, ये तुम्हारा ये ओव्यूल है, हमने एट्रोपस ओव्यूल बनाया है, ये ओव्यूल है बेटा, ठीक है, ये ओव्यूल है। तो इस ओव्यूल में बेटा इंटेगमेंट जो होता है ये इनलार्ज हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलेंगे? कैरेंकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कैरेंकल बोलेंगे, ठीक है। कैरेंकल जो होता है बेटा, ये शुगर कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस इसमें होता है, ठीक है, शुगर रिच होता है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये मीठा भी लगता है। ये इंटेगमेंट का बेटा के इनलार्जमेंट से बना है, ठीक है, कैरेंकल बोलते हैं इसको। ये जो बेटा कैरेंकल होता है, इसको अब ये क्या होता है कि बेटा ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। करेंकल नोट कर लेना, करेंकल का काम क्या है बेटा? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प, दूसरा काम इसका ये है कि ये बेटा सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। चींटियों को बहुत, क्योंकि इसमें शुगर होता है तो चींटियाँ इसको पसंद करती हैं खाने के लिए, तो इसको खींच के ले जाती हैं दूर, है ना। तो ये सीड इसको बेटा, अब देखो बेटा, कभी अगर सीड का डिस्पर्सल चींटियों के थ्रू हो रहा है, एंट के थ्रू हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मर्मेकोकोरी बोलेंगे। चींटियाँ मतलब मर्मेकोकोरी का मतलब समझ ही रहे होगे, क्या है सीड का डिस्पर्सल? कोरी, जैसे कि पोलिनेशन क्या होता है, फिली होता है ना, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ऐसे अगर एनिमल के थ्रू सीड का डिस्पर्सल हो रहा तो क्या बोलोगे? जू कोरी, है ना बेटा। अच्छा, रेप्लीसिया में पोलिनेशन किससे होता है? हाथी से मत बताना, ठीक है, एलिफेंट से, उसमें एलिफेंट से उसमें हाँ फ्लाइज से होता है पॉलिनेशन, फ्लाइज से होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, इंसेक्ट ही है तो एंटोमोफिली बोलेंगे, है ना। कोरियन फ्लाइज होती है जिनको इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, यानी बदबू बहुत अच्छी लगती है ना बेटा, एक डेड बॉडी जैसी स्मेल आती है ना रेफ्लेसिया से, तो वो कोरियन फ्लाइज अट्रैक्ट होकर आती हैं और पॉलिनेशन करके जाती हैं। लेकिन अगर हम सीड डिस्पर्सल की बात करें तो वो एलिफेंट से होता है, उसको जू कोरी बोलते हैं, फिली नहीं बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, जू कोरी। उसको भी, उसकी हाथी को उसकी बदबू ख़राब लगती है, तो वो बहुत तेज आता है और
ये तो बड़ा सा फ्लावर होता है ना, तो वो बहुत तेज़ से लात मारता है और फ्लावर दूर तक बिखर जाता है, तो उसके सीड डिस्पर्स हो जाते हैं दूर तक, तो इसको बोलेंगे जू कोरी। तो ये जो बेटा है ये मेरमे को कोरी है, क्या है? जैसे बेटा उसमें देखा होगा तुमने, कोकोनट में देखा है, कोकोनट में देखा होगा कि जब सीड का डिस्पर्सल होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है ना, तो वाटर जब उसमें जाता है तो ये वाटर के साथ दूर तक बह के चले जाता है सीड, नारियल उसमें फाइबरस कवरिंग होती है तो इसलिए वो दूर तक चले जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोकोरी। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकोरी बोलते हैं, हाइड्रोफिली मत कहना, क्या बोलेंगे? हाइड्रोकोरी, सीड डिस्पर्सल हाइड्रोकोरी। हाँ, पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोफिली, अगर वाटर से हो रहा है तो, अगर सीड डिस्पर्सल हो रहा है वाटर के थ्रू क्या बोलेंगे? हाइड्रोकोरी बोलेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ तुम्हें और बता दें, फिर हम सीधे डायरेक्ट डेवलपमेंट की हो जाएंगे, ठीक है? सीड का फॉर्मेशन देखेंगे। ओव्यूल टाइप नहीं बताया बेटा हमने, ठीक है बेटा, अभी वो भी बता रहे हैं। पहले एक वो लीची में हमने तुम्हें वो नहीं बताया बेटा, एरिल। एरिल जो होता है बेटा, जैसे कि बेटा ये सीड है, लीची देखा है बेटा, खाया भी होगा, तो लीची के अंदर बेटा यहाँ पे देखोगे ऐसे ये फ्लैशी सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं, सीड अंदर का हार्ड होता है, बाहर का ये जो सब्सटेंस होता है यही तो हम लोग खाते हैं ना, ये इसको हम एरिल बोलते हैं। ये बेटा मॉडिफिकेशन है किसका? एंटेगुमेंट का। ये एंटेगुमेंट जो होता है स्वेल अप होके फूड डिजॉल्व कर लेता है और इसको हम एरिल बोलते हैं, ये एंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है बेटा, पेरिस्पम फिर से पूछ रहे हैं, पेरिस्पम किसका मॉडिफिकेशन है? न्यू सेलस का। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर ये जो इंटेगुमेंट है, अच्छा ये बताओ फिर कैरेकल किसका मॉडिफिकेशन है? हाँ, किसका मॉडिफिकेशन है? वो इंटेगुमेंट बताया था ना, इंटेगुमेंट की सेल बेटा इनलार्ज हो जाती हैं और वो शुगर उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए चीटियाँ उसको खींच के ले जाती है सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक है, तो बेटा उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? कैस्टर है उसका एग्जाम्पल। किसका? किसका बेटा? कैरेकल का। ठीक है, कैरेकल में तो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इससे बताया क्यों? क्योंकि इसमें बेटा पहली बात तो कैरेकल होता है ना, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा बेटा इसमें पेरिस्पम भी होता है, अभी देखा था ना बेटा, पेरिस्पम होता है कि नहीं होता है? और इसमें इंडोस्पम भी होता है। क्या होता है? इंडोस्पम होता है। तो बेटा इसकी बेटा प्लॉयडी क्या होगी? 2N। पेरिस्पम की प्लॉयडी क्या होगी? अच्छा, इंडोस्पम की प्लॉयडी क्या होगी? 3N। पेरिस्पम की प्लॉयडी क्या होगी? 2N ही होगी बेटा, क्योंकि किसका? न्यूसेलस तो 2N ही होगा ना हमेशा, न्यूसेलस तो 2N होगा और न्यूसेलस ही तो मॉडिफाई होकर पेरिस्पम बन रहा है। तो याद रखना बेटा, कैस्टर के अंदर इंडोस्पम भी देखने को मिलता है और पेरिस्पम भी देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसकी इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो क्या बताओगे? पेरिस्पम 2N होता है और इंडोस्पम 3N होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सीड का डेवलपमेंट, है ना बेटा? अमन चलो बेटा बंद कर। तो बेटा पहले फिर हम तुम्हें ओव्यूल के टाइप्स ही बताते हैं ना, फिर बाद में कल हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, है ना? वो बताया नहीं तो आप पहले वो देख लो थोड़ा। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल बेटा जैसे ये ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है बेटा, ये ओव्यूल एट्रोपस है, ठीक है, एट्रोपस ओव्यूल बिल्कुल सीधा ऐसे, ये जैसे ये आपका फ्यूनिकल है, ये हाइलम है और ये माइक्रोपाइल है ना, तो ये तीनों एक डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, तो ये एट्रोपस, ये इसको आर्थोट्रोपस बोलते हैं। ये वाला जो ओव्यूल है बेटा, ये मोस्टली आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर पॉलीगोनम में,
पॉलीगोनियम प्लांट है उसमें मिलता है। और मोस्टली बेटा कहाँ मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर, अब पाइनस को छोड़ के, पाइनस में नोट्रोपस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर आपको सब में कहाँ, जिम्नोस्पर्म में ये वाला मिलेगा, ठीक। ये बेटा हाफ कर्वेचर होता है। देखो ये जो अब ये फ्यूनिकल है बेटा, ये हाइलम है, तो इसके 90 डिग्री पर ये माइक्रोपाइल है। देख रहे हो बेटा, ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है, ये क्या है बेटा, फ्यूनिकल है। तो ये बेंड हो जाता है बेटा ऐसे, ठीक है, बेंड है। तब ये बेंड है तो इसको हम बोलेंगे हेमीट्रोपस। क्या बोलेंगे? हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी माने हाफ, ट्रॉपस का मतलब होता है बेंडिंग, झुकना, कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर है बेटा, देखो इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, इसलिए इसको हमने ए ट्रॉपस कहा। ए माने नहीं, एब्सेंट, ठीक है। जैसे ए पोडा, कोई भी साइंटिफिक वर्ड है, ए अगर यूज करते हैं उसका मतलब होता है नहीं। तो ये है ए ट्रॉपस, आर्थ्रोट्रॉपस, इसीलिए इसको हम ए ट्रॉपस कहते हैं। हेमी ट्रॉपस का मतलब इसमें कर्वेचर आधा है 90 डिग्री पे। अभी ये पूरा घूम जाता है ऐसा, तो ये एनाट्रोपस हो जाएगा, अभी हम देखेंगे। तो ये हाफ है, इसलिए ये हेमीट्रोपस। बहुत कम स्पीसीज मिलता है, रेनन्क्युलस, प्राइमुला, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेनन्क्युलस में देखोगे तो इस तरह का, ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है बस, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि ये आपका हाइलम है बेटा, ये माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकल है। इसमें कर्वेचर बेटा कितना है? ये पूरा 180 डिग्री पे मुड़ गया ना बेटा, तो इसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस। ये बेटा बहुत ही कॉमन टाइप है ओव्यूल का, जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। yes, आपको ज़्यादातर सोलेनेसी फैमिली में आपको ये मिल जाएगा, और मालवेसी फैमिली में, लेगुमिनेसी, क्रूसी फेरी में आपको थोड़ा सा अभी हम बताएंगे दूसरे टाइप का मिलता है। होता बस ये जो अंदर का ओव्यूल है पूरा, इंटोगमेंट को छोड़ करके एम्ब्रियोसेक, वो अपनी पोजिशन पर रहता है, केवल इंटोगमेंट में बेंडिंग हो जाती है क्रूसी फेरी फैमिली में, ठीक। तो ये बेटा एनाट्रोपस है। एना का मतलब होता है अपोजिट, एना का क्या मतलब होता है? अपोजिट, जैसे कि एनाफेज आप लोग पढ़ते हो, मेटाफेज, एनाफेज आते हैं, एनाफेज में क्या अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव करते हैं, उससे एनाफेज होता है, वैसे ये एनाट्रोपस, इस चीज़ से नाम आया एनाट्रोपस। अपोजिट ट्रोपस का मतलब है बेंडिंग या कर्वेचर, तो ये इतनी बेंडिंग हुई कि ये अपोजिट में आ गया, ठीक है। तो मोस्टली आपको एंजियोस्पर्म में इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर बनाए ये दिखेगा, ये देख रहे हो बेटा। yes, इसमें जो बेटा बेंडिंग हुई है वो पूरा 360 डिग्री पे हो गई है। ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, और ये क्या है? माइक्रोपाइल है। तो ये बेटा जो इसका फ्यूनिकल है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा इलोंगेट हो गया है, ठीक है, लंबा सा हो गया है ये, और इस वजह से ये पूरा रोटेट होकर के
180 नहीं सॉरी 360 डिग्री पर ये मूव हो गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे बेटा सर्सिनोट्रॉपस। क्या बोलेंगे बेटा? सर्सिनोट्रॉपस। सर्सिनो ये सर्किल से है, सर्किल सर्किल बने, सर्किल बने ना बेटा। देखो ये ऐसे पूरा मूव, ये देखो पहले इतना ये सीधा था एट्रॉपस, ठीक है। आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा मोस्टली, और एंजियोस्पर्म में आपको उसमें मिलेगा पॉलीगोनियम में, ठीक है। ये बेटा हेमीट्रॉपस, ये हाफ कर्वेचर है, इसमें 90 डिग्री पर बेंडिंग हुई है। और देखो ये माइक्रोपाइल और ये एक डायरेक्शन में है, और फनिकल नीचे है इसमें, ठीक है, उसके 90 डिग्री पर ये है दोनों चीज़ें, है कि नहीं। ये इसके हमने आपको दो एग्जांपल बताए हैं ना, कौन से? ट्राइमूला बताया था, और कौन बताया था? भूल गए बेटा, रेनन्कुलस बताया था, नोट नहीं किया था क्या? रेनन्कुलस, ठीक है। और इसमें ये तो एनाट्रोपस, ये मोस्टली आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल। ये देखो इसमें बेंडिंग कितनी हुई है बेटा, ये बिल्कुल मूव हो गया है, कितना 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं। इसके अलावा क्रूसीफेरी के मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है कि इंटिगमेंट मूव कर जाता है, और अंदर का जो न्यूसेलस है वो अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। तो सर्सिनोट्रॉपस, सर्सिनोट्रॉपस होता है उसमें नागफनी में, पोंसिया नागफनी में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोपाइल और ये हाइलम एक सीध में आ जाते हैं, और ये अंदर का जो न्यूसेलस है वो पार्ट वैसे रहता है, ठीक है। क्रूसीफेरी में आपको उसमें मिल जाएगा कैलोट्रॉपिस, उसमें कैलोट्रॉपिस में नहीं, ये आपको मिल जाएगा कैप्सेला में। किस में बेटा? कैप्सेला प्लांट में आपको इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है, ठीक बेटा। अरेंज करें, अच्छा अभी हम लोगों ने जो फर्टिलाइजेशन पढ़ा बेटा, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे हमने ये देखा था, ये बेटा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये बेटा जैसे हमने देखा, ये एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर एक सेल है, ये सिनर्जिड से एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो बेटा इसमें पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या है? पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट है अगर पूछा जाए तो? बिलो द एग ऑपरेटस की, बिलो द एंटीपोडल सेल की, अपॉन द एग ऑपरेटस की, अपॉन द एंटीपोडल सेल, ऐसे पूछा जा सकता है। दो ऑप्शन तो सेम ही है, अगर हम अपॉन द एंटीपोडल सेल या बिलो द वो एग ऑपरेटस कहें तो। देखो तो ये एग ऑपरेटस है, ठीक है बेटा। तो इसमें पोलर न्यूक्लियाई जो है बेटा, ये सेंट्रल से जो लार्ज सेल उसी में है। तो पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या है? अपॉन द एग ऑपरेटस की, बिलो द एंटीपोडल सेल, या बिलो द एग ऑपरेटस, अपॉन द, नहीं शायद हमको हमें लगा था कि तुम लोग ये मिस्टेक करोगे। हमें जितने भी जो भी देखना होता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो हमें ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग देखना होता है, स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग। ये तो बेंड हो गया ना बेटा, एनाट्रॉपस ओव्यूल है, तो अगर सीधा करेंगे तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर एक सेल ऊपर होगा ना
रुको, ये एक सेल होगी, ये सिनर्जेट होंगी, एंटीपोडल सेल नीचे हो जाएंगी, तो ये कहाँ है? बिलो द एग ऑपरेटस, ठीक है, ये होता है। और अगर ऑप्शन में ये है कि अपॉन द एंटीपोडल सेल, तो ये लगाना, दोनों हैं तो ये दोनों होंगे, फिर ऑप्शन में बोथ दिया होगा, समझ रहे कि नहीं? ये मत कहना कि एग्स ऑपरेटस के ऊपर है, एग ऑपरेटस के नीचे होती है हमेशा, ठीक। इस अकॉर्डिंग में हमें देखना पड़ता है। बताओ बताओ, एट्रोपस ओव्यूल किस में हमें देखने को मिलेगा? एट्रोपस, आर्थोट्रोपस कहाँ देखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, और पॉलीगोनियम में। हेमिट्रोपस कहाँ देखने को मिलेगा? हेमिट्रोपस का एग्जांपल रेनन्कुलस, ठीक है, और अच्छा एनाट्रोपस का सोलेनेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, कुकरबिटेसी फैमिली, इन सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर्सिनोट्रोपस नागफनी में, ओपनसिया में, है ना, नागफनी में देखने को मिलेगा ये। अब इसके आगे हम देखेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड जर्मिनेशन, ये टॉपिक हमें इसके बाद पढ़ने हैं, ठीक है। आज शुरू करने कितना टाइम हुआ है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ बेटा। कुछ इवेंट बता रहे हैं हम तुम्हें, बताना है विच ऑफ दिस दैट इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स हैं तीन चार, उसमें से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा है? विच इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया हमने, तो आपको प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन पता ही होगा, तो बताओ इसमें डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्रांसफर ऑफ पॉलन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये चार ऑप्शन हमने तुम्हें दिए, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कौन सी होगी? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन, की ट्रांसफर ऑफ पॉलन, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा होगा बताओ बेटा? एम्ब्रियो, बिल्कुल, क्योंकि देखो पॉलन डेवलपमेंट तो पहले ही हो चुके हैं, पॉलन का ट्रांसफर होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। और ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बेटा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो बाकी तीनों ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट कब होगा? पहले तो जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जायगोट, आगे चल के जायगोट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है, यही हमें आगे देखना है, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन बेटा और आंसर दो, एक प्लांट है बेटा, ठीक है, डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट बियर्स फ्लावर बट नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। एक फ्लावर है जो कि फ्लावर बियर कर रहा है लेकिन वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन दें, ऑप्शन क्या है बेटा, कि प्लांट इज डायसियस एंड हैव ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, एक ये आंसर है बेटा। दूसरा है प्लांट इज डायसियस
एंड हैव डिस्टिलेट एंड एस्टिमेट फ्लावर। थर्ड ऑप्शन है बेटा फ्लावर इज मोनोसियस एंड फोर्थ ऑप्शन फ्लावर इज डायसियस। एंड हैव ओनली स्टेमेट फ्लावर्स। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई प्लांट है बेटा जो फ्लावर बियर कर रहा है लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? प्लांट इज डायसियस एंड हैव ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। ये रीजन हो सकता है प्लांट इज डायसियस एंड हैव पिस्टिलेट एंड स्टेमेट फ्लावर। ये रीजन हो सकता है प्लांट इज मोनोसियस एंड थर्ड प्लांट इज डायसियस एंड हैव ओनली स्टेमेट फ्लावर। क्या होगा बेटा? लास्ट वन, फ्लावर इज डायसियस एंड हैव, ये क्यों नहीं होगा बेटा? मोनोसियस क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, तो क्योंकि आप ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो हाँ फ्रूट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ये वाला ऑप्शन देखो क्या है, डायसियस एंड है पिस्टिलेट एस्टिमेट। अगर डायसियस है तो ये हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, है ना? हमने ये गलत ऑप्शन रखा है, जानबूझ के गलत रखा है। कि देखो अब अगर ये अगर दोनों है तो फिर ये मोनोसियस हो जाएगा, है ना? डायसियस प्लांट हैव ओनली पिस्टिलेट, अगर पिस्टिलेट फ्लावर होंगे तब उसको फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा प्लांट है जिसमें केवल मेल फ्लावर आ रहे हैं, ये फोर्थ ऑप्शन यही कह रहा है कि केवल मेल फ्लावर, इसमें स्टेमन है लेकिन पिस्टिल नहीं है। पिस्टिल नहीं, इसका मतलब वो फीमेल फ्लावर नहीं है। ठीक है, डायसियस है, केवल मेल फ्लावर उसमें है। क्लियर है बेटा? ठीक है, हमने एक बार तुमको इशारा भी किया था पढ़ाते हुए कि पपीता आ रहा है किसी के यहाँ, मान लीजिए लगा है एक पेड़ में पपीता लगा, दूसरे में नहीं लगा है, फ्लावर दोनों में आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो जिसमें नहीं आ रहे वो मेल प्लांट, जिसमें आ रहे हैं वो उसमें फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे बेटा, तुम लोग रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन ना हो पाए तो वो बताना। ठीक है।